नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं बिहार दर्शन। मेरे साथ बने हुए हैं देवानंद जी। आज हम पहुंचे हैं पटना सिटी अवस्थित गुरु के बाग में। यह बाग गुरु तेग बहादुर सिंह जी से संबंधित है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखते रहिए। रहीम बख्श और करीम बख्श दो भाइयों का यह बाग हुआ करता था, जो कि पूरा उजाड़ बाग था, पूरा सूखा हुआ सा रहता था। एक समय की बात है कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी आसाम से लौट रहे थे। उन्होंने इसी बाग में अपना डेरा जमाया। उनके डेरा जमाते ही यह बाग हरा भरा हो गया, फूलों से चारों तरफ खिल गया और इसका सूखापन बिल्कुल से दूर हो गया। इसके बाद जब रहीम बख्श और करीम बख्श को यह बात पता चली, तो वह दोनों भाई अपने दरबारियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया और तब से उन्होंने इस बाग को गुरुजी के नाम पर कर दिया। आगे और भी इस बाग के बारे में, रोचक तथ्यों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले एक झलक देखते हैं, गुरुजी के दर्शन करते हैं। चलिए। गुरुद्वारे के ठीक सामने आप एक नीम का पेड़ देख रहे हैं। एक पेड़ आपको नया दिख रहा होगा, एक पेड़ काफ़ी प्राचीन काल का दिख रहा होगा, जो उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे तब उन्होंने दातून किया था नीम के दातून से, और उस दातून को यहीं पर गाड़ दिया था जिससे कि यह पेड़ निकल पड़ा। और उसके बाद उसका अभी अवशेष बाकी है और यहाँ नया नीम का पेड़ लगाया गया है। सिंह जी पहली बार अपने पिता तेग बहादुर जी से यहीं पर मिले थे और यहाँ पर एक कुआं था। उस कुएं के प्रति एक साधु का भ्रम था, तो उस साधु के भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने उस कुएं से एक आसन और एक कमंडल निकाला था। फिर उस कुएं में पानी आना शुरू हो गया और जब वह पानी आना शुरू हो गया तो उन्होंने, गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कुएं को यह वरदान दिया कि इस कुएं के पानी से जो भी महिलाएं स्नान करेगी उसका गोद जल्दी ही भर जाएगा। और इसीलिए उस कुएं के माध्यम से यह एक तालाब बनाया गया जिससे उस कुएं का पानी इस पूरे तालाब में भरा जाता है और इस पानी में लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं और स्नान करते हैं, तो जिससे उनकी हर मुरादें, हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुदी सप्तमी को हर साल गुरु पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हर महीने सुदी सप्तमी को भी स्नान करने का बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि उसी दिन बाल गोविंद सिंह जी अपने पहली बार अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से मिले थे। ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहार दर्शन के साथ।